ये है प्राची गुप्ता, जो कभी सिविल सर्विस में जाने का सपना देखा करती थी, लेकिन जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि अब वो किताबें लिख रही हैं। प्राची की फैमिली में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में रहे। परिवार का माहौल पढ़ाई लिखाई वाला होने के चलते उन्हें बचपन से ही कहानियां सुनने और पढ़ने का शौक रहा। साथ ही प्राची ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के दौरान उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ पर एक किताब लिखी, जिसे पढ़कर उनके छोटे भाई ने उसे पब्लिश कराने का सजेशन दिया और इसके बाद प्राची ने अपनी किताब सेल्फ पब्लिश कराने का फैसला लिया और यहीं से उनके सफर की शुरुआत हुई। प्राची की पहली किताब ही बेस्ट सेलिंग रही, जिसके चलते साल 2016 में पब्लिशर्स ने उनसे रीपब्लिशिंग के लिए कांटेक्ट किया। वो अब तक 7 किताबें लिख चुकी हैं और 30 से ज्यादा देशों में बतौर राइटर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्हें अपनी किताबों के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं। साथ ही वो हडल बुक्स के जरिए नए राइटर्स को किताबें छापने का मौका दे रही हैं। प्राची का कहना है कि वो किताबें केवल लिखने या छापने के लिए नहीं लिखती। उनका मानना है कि शब्द जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। वो अपने शब्दों के जरिए लोगों की जिंदगी बेहतर करना चाहती हैं। उनकी किताब पढ़कर एक स्टूडेंट ने सुसाइड का इरादा छोड़ दिया था और जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से जीने का इरादा किया है, जिसे लेकर प्राची कहती है कि मुझे वो खुशी मिली जो शायद सिविल सर्विस में जाकर कभी नहीं मिलती, इसलिए अपनी आखिरी सांस तक लिखना चाहती हूँ। क्योंकि सच करीब से दिखता है।